देखिए पूरे देश का और राजस्थान का कर्मचारी लंबे समय से प्रमुख ज्वलंत मांगों को लेकर के संघर्षरत है, परंतु केंद्र सरकार के स्तर पर हो या राज्य सरकार के स्तर पर उनका समाधान नहीं हुआ। इसकी वजह से आज हमारे राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश के 28 राज्यों के सभी कर्मचारी महासंघों ने आज अपने अपने राज्य के अंदर जिला स्तरों पर प्रदर्शन कार्यक्रम किया है। आज जयपुर में भी हमारी जयपुर के जो जिला संयोजक हैं के यादव जी और प्रकाश मीणा जी, उनके नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहाँ था। हमारी तीन मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर के राज्य भर का कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है। पहली मांग, राजस्थान की तरह पूरे देश के अंदर ओपीएस लागू किया जाए और राजस्थान के कर्मचारी को 41,000 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के पास जमा है वो राज्य सरकार को लौटाया जाए, जिससे वो कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा हो सके। दूसरा, अभी तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ, इसलिए 8वां वेतन आयोग का गठन करके और एक समान पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय वेतन आयोग लागू करके और राजस्थान के कर्मचारियों की जो भारी वेतन विसंगति है उसको कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, उसके आधार पर शीघ्र राजस्थान की सरकार उसको दूर करे। और साथ में पूरे देश के अंदर राजस्थान के अंदर ये जो संविदा ठेका मानदेय पर जो शोषणकारी जो व्यवस्था है, इस शोषणकारी जो व्यवस्था है इसकी पूरी तरह इसको प्रतिबंधित किया जाए, ये हमारी मांग है। इसको लेकर के कर्मचारी महासंघ ने आज ये सांकेतिक रूप से ये आंदोलन की शुरुआत की है और अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं समझी तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार की।